सर, मैं आपके सामने और इस सदन के सामने एक ऐसी घटना को बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक सिख लड़का बस में सफर कर रहा था तो तीन ऑस्ट्रेलियन, दो लड़के और एक लड़की, उसके साथ उसको डराना, धमकाना, उसकी पगड़ी के साथ छेड़खानी करना, ये एक बहुत बहुत घिनौनी हरकत ऑस्ट्रेलिया में की गई है। तो मेरा सर, मेरा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जीरो सर, हाँ बोलो सर, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जे भी एक बच्चे का, एक बच्चे का और एक सिख बच्चे के ऑनर की बात है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में जब वो बस में सब्र कर रहा था उसकी पगड़ी के साथ और उसके साथ घिनौनी हरकत की गई है, उसको टीज किया गया है। और ऐसी हरकतें अगर भारत के रहने वाले लोग जो वहां पर रहते हैं होती रहेगी तो उन लोगों के मन में एक डर का वातावरण बना हुआ है। सर, मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना को ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ लाकर उन पंजाबी जो लोग हैं, सिख लोग जो हैं, भारतीय जो हैं वहां पर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से ली जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। अगर इस सारी रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो आज वो बच्चा डरा हुआ है, स्कूल जाने को तैयार नहीं है, उसकी माता डरी हुई है, उसका परिवार डरा हुआ है। सर, ये एक इमीडिएटली एक्शन लेने वाली बात है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार, भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ ये मैटर टेकअप करके वहां रह रहे जो हमारे पंजाबी भाई हैं, भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा, ताकि नस्लवाद के साथ भेदभाव वहां पर ना हो। तो हम वहां पर इज्जत से जीना चाहते हैं सर, वहां हम इज्जत से जीना चाहते हैं, वहां के कानून को मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सर, वहां उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया सरकार को लेनी चाहिए। ऐसी बातें रिपीट ना हो, ऐसी बातें द्वारा दोहराई ना जाए, उसके लिए सरकार को ऑस्ट्रेलिया से बात करनी चाहिए। सो मैं निवेदन करूंगा सर कि ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती हैं, तो जब तक एक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक घटना नहीं रुकेगी। मैं पर फिर निवेदन करता हूं कि जी एक छोटे से बच्चे के साथ बात हुई है, एक धर्म के साथ बात हुई है, इसको संज्ञान लेना चाहिए।